नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का प्रांतीय सम्मेलन प्रदेश भर के खाद्य पदार्थ व्यापारी जुटे कार्यक्रम में। होटल हॉलीडे इन में शुरू होगा सम्मेलन। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेवा है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता सम्मेलन की अध्यक्षता भी करी और दाल मिल, आटा मिल, तेल मिल के व्यापारी जुटे कार्यक्रम में। मंडी शुल्क और कृषि कल्याण सेस और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। या मेरे तक कोई भी काम हो, मैं आप लोगों के लिए, आप जब भी कहेंगे मैं हाजिर रहूंगा। आप सभी आपने जो उस तरह से आज मुझे बुलाकर जो आप लोगों ने जो मान और सम्मान दिया, इसके लिए भी मैं आपका तहे से आभारी हूँ आप सभी का। और मैं ये भी कामना करता हूँ कि आपका उद्योग रात दिन फले फूले और लोगों तक अच्छा शुद्ध दैनिक जीवन में उपयोग आने वाला सामान सब तक पहुंचे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आगे ऐसी यूनिटी आपका संघ आगे से आगे बढ़े और इसे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना साकार करें। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सपने को पूरे करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी राइजिंग राजस्थान यहाँ पर 11 दिसंबर से और 9 दिसंबर से और 11 दिसंबर तक का कर रहे हैं, उसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग जितना भी। स्वर्ण नगरी में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन जगत में उत्साह का माहौल है। जैसलमेर टूरिस्ट गाइड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज सोनार दुर्ग के प्रथम पोल के समीप सैलानियों का तिलक लगाकर स्वागत हुआ। वहीं लोक कलाकार सुंदर स्वर लहरिया बिखेर सैलानियों का आवभगत कर रहे हैं। राजस्थान के नवगठित सांचौर जिले को निरस्त होने से बचाने के लिए पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई पिछले 3 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आमरण अनशन कर रहे हैं। वे 63 साल के हैं और अब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों की टीम ने धरना स्थल पर जाकर उनका चेकअप किया है और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है, मगर पूर्व मंत्री ने साफ तौर से इनकार कर दिया। बिश्नोई ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट मैसेज नहीं आएगा कि सांचौर जिला निरस्त नहीं होगा, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इतना ही नहीं, तबीयत अधिक खराब होने के चलते प्रशासन की ओर से जबरन अस्पताल में भर्ती कराने की आशंका है, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अधिक से अधिक लोगों से धरना स्थल पर पहुंचने की अपील की है, ताकि कोई भी उनकी मर्जी के बिना उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा सके। इस अपील के बाद वहां लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। जिले के सूरतगढ़ के पास पदमपुरा की रोही में फिर से हिरण का शिकार होने का मामला सामने आया है। इसके बाद वन्य जीव प्रेमियों और स्थानीय निवासियों में गुस्सा है। बीती रात हुई इस घटना से पूरा क्षेत्र आक्रोशित है। वन्य जीव रक्षा के जिला अध्यक्ष मुकेश सुथार के अनुसार इस इलाके में लंबे समय से हिरणों के शिकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मुकेश सुतार ने बताया कि घटना स्थल पर पहुंचे सूरतगढ़ के वन रेंजर पवन विश्नोई अपनी टीम के साथ हिरण के शव को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे ग्रामीणों और वन्य जीव प्रेमियों ने रोक दिया। उन्होंने मांग की कि शव का पोस्टमार्टम होकर मौके पर ही किया जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि हिरण की गोली मारकर हत्या की गई है। इस पर वन विभाग और स्थानीय निवासियों के बीच विवाद भी हुआ। ग्रामीणों ने वन रेंजर पर आरोप लगाया कि वे शराब के नशे में थे, जिसके कारण स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों के विरोध के चलते वन रेंजर हिरण के शव को नहीं ले पाए और स्थिति बिगड़ने पर उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। हरियाणा चुनाव प्रचार में राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर के बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए अपनी पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार का धार देने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की पार्टी के दिग्गज नेता व वर्किंग कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी और बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदा राम बेनीवाल, जबकि भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को जिम्मेदारी दी है। पार्टी की ओर से जिम्मेदारी मिलने के बाद से ये नेता हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं और लगातार अलग अलग क्षेत्र में पहुंचकर पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उदयपुर के झाड़ूल इलाके में गुरुवार को पैंथर के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक बकरी के लिए चारा लेने जंगल में गया था।
वहां पैंथर ने हमला कर दिया। जिले में अब तक अलग अलग जगहों पर पैंथर के हमले से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग जाड़ोल के रेंजर होरीलाल सेनी ने बताया कि गुरुवार को सरनाफला निवासी 50 वर्षीय शंकरलाल पिता लिंबा खराड़ी के पास ही जंगल में बकरियों के लिए चारा लेने गया था। वापस नहीं लौटने पर उसके पुत्र फतेहलाल और धनराज जंगल की तरफ गए। वहां पिता की खून से सनी लाश मिली। दोनों ने शोर मचाने पर ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे और पैंथर के हमले करने की आशंका पर वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग के रेंजर होरीलाल सेनी और झाड़ोल थाना अधिकारी रामनिवास जापते के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। मृतक की बॉडी पर खरोंच के निशान थे, उसके हाथ और पैरों को भी नोच। राजस्थान के भरतपुर में रोडवेज बस स्टैंड पर सीईटी का पेपर देने जा रहे विद्यार्थियों से रोडवेज कर्मचारियों के जरिए अभद्र व्यवहार और मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें रोडवेज कर्मचारी अभ्यर्थियों से मारपीट करते साफ नजर आ रहे हैं। इसमें कई अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं। घायल अभ्यर्थियों के दोस्तों ने बस स्टैंड पर हंगामा कर दिया। सूचना अटल बन थाने पर पहुंची तो पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया और घायल अभ्यर्थियों को जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ उनका इलाज जारी है। सीकर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुलकर बीजेपी पर हमलावर दिखे। जिला कोर्ट ने अपने पुराने साथी अधिवक्ताओं से वो मुलाकात करने आए थे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हो रहे चुनाव में कांग्रेस का ही माहौल है, इस बार बीजेपी का सफाया तय है। उन्होंने बीजेपी शासित कई राज्यों के सीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान और एमपी में भी केंद्र सरकार डमी सीएम बिठा दिए हैं और ब्यूरोक्रेट्स के जरिए दिल्ली से ही सरकार चलाई जा रही है। वहीं लोकेश शर्मा को लेकर जो सवाल किया गया तो डोटासरा जी चुप्पी साध गए। कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि 10 साल से जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली की पर्चियों से चला उससे आम वर्ग जो है वो उद्वेलित है, तकलीफ में है। किसान हो, नौजवान हो, मातृशक्ति हो, चाहे छोटे व्यापारी हों, कर्मचारी हों, सारे के सारे 10 साल के कुशासन से त्रस्त हैं। उन्होंने चेहरा जरूर बदला लेकिन गवर्नेंस वो की वही है और गवर्नेंस उनकी अच्छी नहीं है। जो खट्टर साहब थे उनको पहली बार आए उनको एमएलए बना दिया, एमएलए बनते ही वो मुख्यमंत्री बन गए लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते। जो गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करने की बात है वो गुजरात मॉडल यही था कि जो स्थापित अच्छे नेता हैं, जनता के चहेते जो नेता हैं उनको कुछ भी मत बनाओ और बिल्कुल नए लोगों को बनाओ जिससे वो केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और जो नेतृत्व है दिल्ली का उसको चैलेंज नहीं कर सकें और वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से वहाँ पर सरकार चला सके। एक तरीके से डमी मुख्यमंत्री बैठाने का ये जो गुजरात मॉडल आया है उससे न राजस्थान अछूता रहा। आपने देखा कि पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया गया, आज कोई विजन उनका नहीं है, कोई फैसले वो नहीं ले पा रहे हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन बिना कानून में संशोधन आ नहीं सकता। वन नेशन वन इलेक्शन की दिल्ली वाले बात कर रहे हैं, इनके पास बहुमत ही नहीं है, संविधान में संशोधन 3/4 मेजोरिटी से होगा वो करवा नहीं पाएंगे। ये न महंगाई कम कर पाए, न बेरोजगारी जो है वो कम कर पाए, न विकास कर पाए, तो इसलिए ऐसे ऐसे प्रोपोगंडा लाते हैं कि जिससे लोगों का ध्यान जो लोगों की समस्याएं हैं उनसे हट करके और दूसरी बातों पे चले जाए। हरियाणा के अंदर मैं 3 दिन जाकर के आया हूँ, कांग्रेस के प्रति इतना अच्छा उत्साह है क्योंकि राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र दिया है, 10 गारंटियां वहां पर दी हैं किसान के लिए, नौजवान के लिए, जो अग्निवीर से लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, जो किसान का बेटा देश की सेवा के लिए जाना चाहता था उसको भी मौका ख़त्म कर दिया उन्होंने, किसान का कर्ज माफ की बात थी वो भी नहीं है। वहाँ पर इतना भय का माहौल है, इतनी अराजकता है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, किसी तरीके का भ्रष्टाचार जो है वो चरम के ऊपर है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं लोगों को, माता बहनें जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, तो सारा का सारा जो वातावरण बना है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और अब जिस प्रकार से मोदी जी जो भाषण देते हैं हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान और जिस तरीके से धर्म
के आधार के ऊपर उन्माद फैला करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं और उससे लोग अब परेशान हो गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हरियाणा में सरकार बन रही है वो कांग्रेस की बन रही है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ में बन रही है। बात करें राजस्थान की तो भाई साहब राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो प्रदेश को जिले दिए थे उनको कम करने की जो चर्चा चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये गन कम नहीं कर पाएंगे। ये तो क्या है कि जो चुनाव से पहले इन्होंने लावा लूटने के लिए सरकार का जो थोते भाषण दिए उनको जस्टिफाइड करने के लिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप बताइए भारत सरकार ने रोक लगा दी कि कोई भी राजस्व गांव भी नहीं बन सकता, न कम हो सकता न ज़्यादा हो सकता, जिला तो बहुत बड़ी बात है, संभाग तो बहुत बड़ी बात है, तो ये कैसे कर पाएंगे? इन्होंने छूट मांगी है, इनको छूट मिलती तो मिल जाती, इनको छूट मिलेगी नहीं। और जो सुविधा जनता को मिल गई, आज मान लीजिए सीकर को संभाग मिल गया, यहाँ पर जो चूरू सीकर झुंझुनू और नीमका थाना के लोगों को रिलीफ मिल रही है, तो अब वो जयपुर वापस क्यों जाएंगे? इनकी न तो हिम्मत है न इनके पास ऐसा कोई विजन है, कोई तुक नहीं है। ये केवल समीक्षा के नाम से 9-10 महीने इन्होंने बातें कर करके निकाल दिए जिससे काम नहीं करना पड़े। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि ये पेपर लीक की बातें करते थे, कौन मना कर रहा है इनको? CBI कराओ और कोई कराओ, SIT कराओ, जो मर्जी है जो कराओ, लेकिन इस रायते को समेटो और नए युवा लोगों को नौकरियाँ दो, ये लोग चाहते हैं। आज इस बात से क्या है, वो तो सतत प्रक्रिया है कि कोई भी अपराधी अगर कोई अपराध में संलिप्त है तो उसको पकड़ो और उसको सजा दिलाओ, ये तो हर सरकार का धर्म है। ये कोई नई चीज़ कर रहे हैं क्या जो देश में नहीं हुई? वो थोड़ी कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए बच्चों को नौकरियाँ कैसे मिले? सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गर्मियों में लोग मर गए, किसान परेशान हैं, आज कोई सुनने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे बस का सौदा ही नहीं है, तो छोड़ो इस काम को, फिर आपकी बस का सौदा ही नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि हमें पता ही नहीं हम किस पद पर कितने दिन रहने वाले हैं। अभी जो लिस्टें आई RAS की आई, IAS की आई, 7-7 बार ट्रांसफ़र हो गए। एक दो अधिकारी तो ऐसे हैं जिनके एक महीने में 3 बार ट्रांसफ़र हो गए, और दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे अधिकारी हैं जो आज उनको 12 लगा दिया, कल उनको लाडनू लगा दिया, परले दिन इनको रावतसर लगा दिया। ये मजाक चल रहा है, इनके पास में कोई विजन नहीं है। और जबकि क्या कहते थे ये जब सरकार बनी थी कि 360 डिग्री के ऊपर परीक्षण करके, 360 का मतलब है हर एंगल से परीक्षण करके हम स्थानांतरण करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। ठीक है साहब, 9 महीने हो गए, अब कर दिया तो उसको आप हर महीने में 3 बार क्यों चेंज कर रहे हो? हर लिस्ट में एक अधिकारी तो ऐसा है, मैं नाम बताऊँगा ठीक नहीं लगेगा, जिसका हर सूची में नाम है, 5 सूची है, 5 बार नाम है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस प्रदेश का कि ऐसे अनुभवहीन लोग पर्ची से बन गए। आज मुख्यमंत्री किरोड़ी लाल जी का इस्तीफे के लिए ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, दिल्ली जाए ये 5 बार मिलिए, मोदी जी से मिलिए, अमित शाह से मिलिए, कोई पता ही नहीं है। और किरोड़ी जी देखिए हमारी विचारधारा अलग है लेकिन वो नेता तो हैं, और इतने बड़े नेता इतने वर्ग से आते हैं, इतने संघर्षशील हैं, चाहे वो हम पे झूठे आरोप लगाए लेकिन कम से कम उन्होंने सरकार बनाने में उनकी झूठ बोल करके उन्होंने मदद की थी बीजेपी की, आज बीजेपी उनका तिरस्कार कर रही है, अपमान कर रही है। तो ये चीज़ें जब आप अपने नेताओं का अपने मंत्रियों का अपमान कर रहे हो तो आप जनता की क्या सुध लेगे, जनता आपसे क्या उम्मीद करे? ये सारी चीजें लोकेश जो OSD थे धन्यवाद, उन्होंने भी जो है धन्यवाद। हरियाणा में देखा जा रहा है कि आप विधानसभा चुनाव का भी पहले गए थे, वहाँ कुमारी सेलजा जो सांसद आपकी सब साथ हैं, चिंता मत करो सब साथ हैं, कल आना वहाँ पर मीटिंग है सेलजा जी की, हुड्डा जी की। हरी चादर और हरे रंग वाली सारी जगह खुदवा देंगे, हमारे मंदिर वापस चाहिए, बाबा बाल मुकुंद का बड़ा बाबा। अजमेर जिले में हिंदू सेना की ओर से कोर्ट में दावा किया गया कि अजमेर दरगाह के तहखाने में महादेव की छवि है। इस याचिका को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि दरगाह को मंदिर के खंडर पर बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है दरगाह के संचालन से जुड़े अधिनियम को रद्द किया जाए। इस दावे के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई। राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से स्वयं का निवेदन है, अपील है कि संपूर्ण भारत में प्राचीन जो स्थान है उन स्थानों का जांच करवाए, और खाली हम सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करें कि अयोध्या राम मंदिर की बात करें कि कुतुब मीनार की बात करें कि लाल किले की बात करें, अनगिनत 100-200-500 की बात करें, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने जयपुर नगर में अनगिनत मंदिर और बगीचियां और बावड़ियां निकाली है जिन पर कब्जे करके हरा रंग पोत के और उन पर कुछ कुछ बना दिया है।
पहले बात तो कुरान में ऐसा कहीं अंकित नहीं है कि इस प्रकार के अतिक्रमण करना और इस प्रकार के भवन बनाना। उसके बाद भी कौन जिहादी लोग हैं जो भूमि जिहाद का काम कर रहे हैं, अतिक्रमण का काम कर रहे हैं, भले वो आपके वक्फ बोर्ड के माध्यम से हों या मुस्लिम बोर्ड के माध्यम से हों। इसी प्रकार से अनगिनत देवस्थानों को खंडित करके और उन पर इस प्रकार के भवन बनाए गए हैं जिनको सबको जांच कराने की आवश्यकता है। जैसे काशी विश्वनाथ का हुआ वैसे ही यहाँ की भी जांच होनी चाहिए कि अजमेर में जो बनी है दरगाह जिसका हवाला दिया जाता है वहाँ भी जांच कराएं कि प्राचीन कोई संकट मोचन मंदिर है, कोई शिव मंदिर है, उसके भीतर भी कोई ना कोई देवस्थान अंदर भीतर में छुपा है, ये सुनते आ रहे हैं बहुत समय से। तो यानी ये इतनी बात इतने पूर्वजों से चल रही है, इसका मतलब कुछ तो है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी, लेकिन जांच होना चाहिए। किसी ने मांग की है तो उसकी मांग करना उसका अधिकार है न्यायालय में, न्यायालय से उम्मीद है। न्यायालय पर अब तक राम मंदिर का फैसला आया, न्यायालय पर काशी विश्वनाथ का आया, तो इस पर भी हमें पूर्णतः उम्मीद है कि हम लोग मांग करेंगे, कोई जांच होगी तो कोई देवी देवता अंदर भीतर में विराजमान, उनके दर्शन हमें होंगे। एक मांग हो रही है कि जैसे कई मंदिर है जो गवर्नमेंट के अधीन है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि इनको गवर्नमेंट से मुक्त किया जाए क्योंकि ये मुगल शासन। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जो प्राचीन हमारे देवस्थान है धर्माचार्यों को जिम्मेदारी दे, भले गवर्नमेंट अपना देखरेख करे, अंडरटेकिंग रखे, गवर्नमेंट का उसमें दखल रहे, लेकिन पूजा सेवा भंडारा वहाँ की व्यवस्थाएं वहाँ के उत्सव ये कहीं ना कहीं धर्माचार्यों का उसमें योगदान रहना चाहिए, उनकी देखरेख में होना चाहिए। अन्यथा तिरुपति बालाजी में जो हम सुन रहे हैं इस प्रकार का कृत्य कोई षड्यंत्र कहीं और नहीं रचा जा रहा हो, तो इसलिए धर्माचार्यों का सनातनियों का उसमें योगदान होने के साथ ही काम हो, सरकार का हस्तक्षेप रहे अच्छी बात है, लेकिन जो मंदिर सेवा पूजा है, प्रसाद की व्यवस्था है, वहाँ की जो मंदिर संबंधित हमारी जो परंपराएं हैं वो धर्माचार्यों के अधीन ही होनी चाहिए। मांग यही है कि जो सरकारी संस्थाएं उनको सरकारी संस्थाएं देख रेख करे दूर से, भीतर का सारा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ी चिंता जताई है। गुरुवार 26 सितंबर 2023 को उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में कहा कि सनातन कभी जहर नहीं फैलाता है, ये तो खुद शक्तियों का संचार करता है। देश में एक संकेत दिया गया है जो कि बहुत खतरनाक है और राजनीति को भी बदलने वाला है। ये नीतिगत तरीके से हो रहा है, संस्थागत तरीके से हो रहा है और ये सुनियोजित षड्यंत्र के तरीके से हो रहा है। ये धर्म परिवर्तन सनातन संचार करता है स्वशक्तियों का, एक और संकेत दिया गया और वो बहुत खतरनाक संकेत है, वो देश की राजनीति को भी बदलाव करने वाला है। नीतिगत तरीके से हो रहा है, संस्थागत तरीके से हो रहा है, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है और वो है धर्म परिवर्तन। सुगर कोटेड फिलोसफी इज बीइंग सोल्ड। कहां जाते हैं? दे गो टू वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हमारे ट्राइबल लोगों के अंदर ज्यादा इंक्रशन करते हैं, लालच देते हैं। आवश्यकता है, देयर इज नीड, और अविलंब आवश्यकता है, तीव्र गति से काम करने की आवश्यकता है टू न्यूट्रलाइज such sinister forces and pernicious designs। हमें सचेत रहना पड़ेगा, हमें तीव्र गति से काम करना पड़ेगा। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।